हेलो स्टूडेंट्स हम लोग आज सॉलिड स्टेट का रिवीजन करेंगे क्विकली सॉलिड स्टेट में इनिशियली हमने सॉलिड लिक्विड गैस का एक कंपैरिजन किया है कि सॉलिड क्या है लिक्विड क्या है गैस क्या है जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो डेफिनेट वॉल्यूम डेफिनेट सेप होता है सॉलिड्स में ये सब बताया है यह आप पहले देख लेंगे इसके बाद हमने सॉलिड्स को क्लासीफाई किया है कि टू टाइप्स ऑफ सॉलिड होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड इज आल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड वाइल एमॉर्फस सॉलिड इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड इनमें क्या डिफरेंस है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमऑर्फस सॉलिड में वो अपन देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है जिसके कारण इसमें हाई रेंज ऑर्डर होता है और एमॉर्फस सॉलिड में इरेगुलर अरेंजमेंट होता है जिसके कारण लो रेंज ऑर्डर होता है एग्जाम्पल आप देख लीजिए कॉपर सिल्वर गोल्ड मैग्नीशियम एनएससीएल सी एस के थ्री कार्बन कार्बन डायमंड आइस नेपथलिन बेंजोइक एसिड ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है जबकि एमॉर्फस सॉलिड हो गया प्लास्टिक कोलतार क्वाड्स ग्लास रबर क्वार ग्लास रबर पॉलियोरीथेन टेफलॉन सेलोफेन पीवीसी फाइबर ग्लास ये सब एमॉर्फस सॉलिड है कूलिंग कर मैंने बनाया है ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ अगर आप कूलिंग अगर स्लोली करेंगे किसी भी लिक्विड को हाई टेम्परेचर पर कोई लिक्विड ही होगा किसी भी लिक्विड को स्लोली कूल करेंगे तो आपको मिलेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और रैपिडली कूल करेंगे तो आपको मिलेगा सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा एंड डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन एमऑर्फस सॉलिड का रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होगा आगे देखते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रॉपिक एन आइसोट्रॉपिक मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मैकेनिकल स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा डिपेंड अपॉन डायरेक्शन एलॉन्ग विच इट इज मेजर जबकि एमार्फस सॉलिड में ये इंडिपेंडेंट होते हैं डायरेक्शन से सो इट इज आइसोटॉपिक आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बेस्ड अपॉन की नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिचुएंट पार्टिकल्स कोई सॉलिड का जो कॉन्स्टिचुएंट पार्टिकल है और उसके बीच जो नेचर ऑफ इंट्रैक्शन है उसके आधार पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है आइनिक सॉलिड कोवेलेंट सॉलिड मेटेलिक सॉलिड मॉलिकुलर सॉलिड कोवेलेंट सॉलिड को ही बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड इनका कॉन्स्टिचुएंट पार्टिकल आइनिक सॉलिड में आयंस है कोवेलेंट में एटम है और आयंस है और इसमें जो अट्रैक्शन है वो आइनिक बॉन्ड है एटम्स है इसमें अट्रैक्शन कोवेलेंट बॉन्ड है और मेटेलिक बॉन्ड में अट्रैक्शन है मेटेलिक बॉन्ड और मॉलिकुलर सॉलिड में तीन तरह के अट्रैक्शन हो सकते हैं एक तो लंदन फोर्सेस या डिस्पर्सन फोर्सेस हो सकता है दूसरा पोलर डाइपोल इंट्रैक्शन हो सकता है दूसरा तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है इन सबके एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ पॉइंट्स एकदम याद रखें आप कि जैसे कोवेलेंट सॉलिड जो हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट वेरी वेरी हाई होती है वेरी हाई इनके एग्जाम्पल भी याद रखिए आप इनके एग्जाम्पल आप याद रखिए कार्बन ग्रिफाइड कार्बन डायमंड सिल्कन कार्बाइड अल्मोनियम नाइट्राइड सिल्कन एस आई ओ टू सब कोवेलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल हैं आगे बढ़ते हैं इसके बाद मैंने समझाया स्पेस लैटिस कि स्पेस लैटिस क्या है देखिए लैटिस जस्ट अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स है अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स हैं और लैटिस के ऊपर हम बेसिस या मोटिफ रखते हैं मोटिफ है जस्ट एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम और लैटिस और ग्रुप ऑफ एटम को मिला देते हैं तो क्रिस्टल बनता है आप देखिए यहां से समझिए ये जस्ट अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स हैं ये लैटिस है ये बेसिस है।, है जो ग्रुप ऑफ एटम एमडब्ल्यू दो एटम है इनका ग्रुप है इन पॉइंट्स पर हमने इन बेसिस को रख दिया है तो हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल गया है तो लैटिस क्या है क्रिस्टल क्या है और बेसिस क्या है ये शायद आपको समझ में आ गया होगा इस फिगर से मीन्स बेसिस प्लस लैटिस विल गिव क्रिस्टल यूनिट सेल ये क्या है कि सॉलिड स्टेट में एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है बाय रिपीटेशन ऑफ विच द होल लैटिस कैन बी बिल्ड जैसे अगर कोई बिल्डिंग बन रहा है या कोई वॉल बना हुआ है तो जो ब्रिक है दैट ब्रिक कैन बी कंसिडर्ड एज यूनिट सेल यह स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है यूनिट सेल वन डायमेंशनल लैटिस बहुत कॉमन नहीं है वन डायमेंशनल लैटिस एक ही स्टेबल अरेंजमेंट पॉसिबल है कि वन डायमेंशनल लैटिस में एटम टचिंग हो एक दूसरे से और इक्वल डिस्टेंस हो दो एटम टू एटम दो के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इक्वल हो बात करते हैं टू लैटिस की। टू डिस्क्राइब टू लैटिस, थ्री पैरामीटर्स ए बी एंड गामा आर रिक्वायर्ड ए बी है एक्सिस क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस बोलेंगे और गामा है एंगल बिटवीन एक्सिस ये हुआ ए ये वी और ये गामा टू डायमेंशन में टोटल फाइव टाइप्स ऑफ सेल पॉसिबल हैं स्क्वायर डिफिनेशन पता है आपको रेक्टेंगल ये भी डेफिनेशन पता है आपको हेक्सागोनल डेफिनेशन पता है आपको बट हेक्सागोनल में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि हेक्सागोनल अरेंजमेंट में जो यूनिट सेल है वो जस्ट फोर पॉइंट से आ जाएगा मीन्स ये रोम्बस है विथ एंगल इक्वल टू सिक्सटी डिग्री चार पॉइंट से यूनिट सेल क्योंकि इसी चार पॉइंट से इंटायर लैटिस बना सकते हैं नेक्स्ट है रोम्बस नेक्स्ट है अब देखिए क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन टू डायमेंशन में क्लोज पैकिंग कर रहे हैं तो आप जरा सा देखो अगर वन फर्स्ट लेयर देखें तो फर्स्ट लेयर सिर्फ वन डायमेंशन है आप ये वाला लेयर ले लो ये एक वन डायमेंशनल लैटिस है अब एक दूसरा वन डायमेंशनल लैटिस ले रहे हैं उसमें एटम के ऊपर एटम रख रहे हैं दो तरीके से रख सकते हैं या तो हम दो एटम के बीच में रख सकते हैं या एटम के ऊपर एटम रख सकते हैं जब एटम के ऊपर एटम रखेंगे तो स्क्वायर अरेंजमेंट बनेगा और अगर दो एटम के बीच में रखते हम एटम को जैसे सपोज अगर ये एटम यहां होता तो हेक्सागोनल अरेंजमेंट बनता तो हम अभी बात कर रहे हैं स्क्वायर अरेंजमेंट का ये स्क्वायर अरेंजमेंट है अब इसमें यूनिट सेल है हमारा ये ये यूनिट सेल है ये है हमारा यूनिट सेल सेल को कंसिडर कर रहे हैं ये प्रिमेटिव यूनिट, है। यूनिट, यूनिट सेल है सुविधा के लिए यूनिट यही है, भी यूनिट सेल हो सकता है तो प्रिमेटिव यूनिट सेल हमने लिया और इसका नाम रखा सेंटर्ड यूनिट सेल प्रिमेटिव यूनिट सेल में आप देखो ए और आर मान लेते हैं रेडियस ऑफ एटम है तो ए बराबर होगा टू आर b बराबर भी होगा 2r आर so, सो ए बराबर बी बराबर टू आर ये गामा है ये गामा होगा 90 डिग्री r है रेडियस ऑफ एटम तो नंबर ऑफ एटम्स निकाल रहे हैं तो so, आप बताओ ये 90 डिग्री है मीन्स इस सर्किल का सर्किल इसलिए बोल रहा हूं कि टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो so, इस सर्किल का वन बाई फोर्थ पार्ट यूनिट सेल के अंदर है तो so, चार सर्किल हैं चारों का वन बाई फोर्थ पार्ट तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हो जाएगा जेड फोर इंटू वन बाई फोर एंड दैट इज वन कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर आप देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कोई भी एक एटम आप सेलेक्ट कर लो ये एटम सेलेक्ट कर लिया हमने तो इसे टच करता हुआ कितने एटम है एक दो तीन चार चार ही एटम तो टच कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया चार पैकिंग इफिशियंसी चूंकि ये टू डायमेंशनल लैटिस है तो पैकिंग इफिशियंसी की जो बात करेंगे हम पैकिंग एफिशिएंसी की जो बात करेंगे यूनिट सेल में कितना एरिया ऑक्युपाइड है एटम से दिस एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द यूनिट सेल क्यों एरिया ले रहे हैं क्योंकि हम टू डायमेंशन में पैकिंग कर रहे हैं तो देखिए पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है एरिया ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द यूनिट सेल मींस यूनिट सेल का कितना परसेंट एरिया एटम से ऑक्युपाइड है दिस फ्रैक्शन इज पैकिंग एफिशिएंसी तो मान लेते हैं कि यूनिट सेल में जेड एटम है और एक एटम का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ द यूनिट सेल स्क्वायर है यूनिट सेल तो ए स्क्वायर हो जाएगा ए बराबर टू आर था ए की वैल्यू रख दिए पैकिंग एफिशियंसी आ गया पाई वाई फोर पाई वाई फोर आ जाएगा जीरो पॉइंट सेवन एट फाइव सो सेवेंटी एट पॉइंट फाइव परसेंट पैकिंग एफिशियंसी हो गया वॉइड मीन्स कितने स्पेस उसमें खाली हैं कितना एरिया खाली है अभी तो वन माइनस अगर हम कर लेंगे तो हमें व्हाइड आ जाएगा वन माइनस सीटा कर लेंगे तो व्इड आ जाएगा वो आर है ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव परसेंट दूसरा है हेक्सागोनल अरेंजमेंट माइंड इट आप देखो दो आइटम हमने यह एक यूनिट सेल था सॉरी यह एक वन डायमेंशनल लैटिस था ये अब इसी तरह का हमने एक दूसरा वन डायमेंशनल लैटिस लिया और उसमें एक आइटम को दो आइटम के बीच में रखा यहां पे इस तरह से जो अरेंजमेंट बनता है उसको बोलते हैं हेक्सागोनल अरेंजमेंट इस तरह से जो अरेंजमेंट बनता है उसको बोलते हैं हेक्सागोनल अरेंजमेंट इसमें भी आप कई तरह का यूनिट सेल ले सकते हैं बट ट्रू यूनिट सेल यही है ये यह है यही ट्रू यूनिट सेल है हम अपनी सुविधा के लिए ये भी सेंटर्ड यूनिट सेल भी ले सकते हैं और भी तरह का यूनिट सेल ले सकते हैं अपनी सुविधा के लिए बट ट्रू यूनिट सेल यही है प्रिमेटिव जो है इसमें देखिए अपन निकाल रहे हैं कि ए और बी तो आप मान लो कि ये ए है ये है ए तो एज इक्वल टू टू आर हो गया ये बी है बी इज ऑल्सो इक्वल टू टू आर हो गया ये गामा है ये 60 डिग्री होगा तो गामा 60 डिग्री हो गया जेड निकालते हैं ये 60 है और ये 120 डिग्री है तो जो 60 डिग्री है उसका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के अंदर 60 बाई थ्री सिक्सटी वन बाई सिक्स है और जो 120 डिग्री है उसका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के अंदर वन बाई थ्री है so, Z हो जाएगा दो एटम है जिसका 60 डिग्री पार्ट है तो टू इंटू वन बाई सिक्स और दो एटम है जिसका 120 डिग्री पार्ट है तो टू इंटू वन बाई थ्री जेड आएगा नंबर होगा नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर सिक्स होगा कैसे कोई भी एक एटम आप सेलेक्ट कर लो आप सपोज आपने ये सेलेक्ट किया तो एक दो तीन चार पांच छे छे एटम इसको टच कर रहा है सो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया छे पैकिंग सी जेड एटम है जेड की वैल्यू वन थी एक एटम का एरिया पाई स्क्वायर और एरिया ऑफ द यूनिट सेल यूनिट सेल ऐसा था रोमबस था हमारा डिग्री के साथ तो इसका एरिया होगा ये ए बी बराबर ए ही था तो ये हो जाएगा ए साइन सिक्सटी डिग्री ये होगा ए साइन सिक्सटी डिग्री तो एरिया ऑफ द यूनिट सेल हो जाएगा स्क्वायर साइंस डिग्री और इसमें हम क्या करेंगे sin 60 की वैल्यू वैल्यू रख रख देंगे रख देंगे एक आ जाएगा एक बार आ गया, ये 90 तो इसकी पैकिंग इफिशेंसी ज्यादा है लगभग सेवेंटी नाइन परसेंट आया था पहले अभी नाइनटी वन परसेंट है तो ये क्लियर करता है कि टू डायमेंशन में हेक्सागोनल पैकिंग करेंगे तो वो ज़्यादा इफिशियंट पैकिंग होगा आगे देखते हैं कि टू डायमेंशन में पैकिंग करने के बाद वॉइड हमें कितने तरह का बचता है तो सपोज ये स्क्वायर पैकिंग किया तो इसमें जो वॉइड होता है उसको बोलते हैं स्क्वायर वाइड कहेंगे कि मान लेते हैं कि कैपिटल आर जो है वो है रेडियस ऑफ एटम एंड स्मॉल आर है रेडियस ऑफ वाइड आप कहेंगे वॉइड का रेडियस का क्या मतलब है तो आप ऐसे समझो चार एटम हमने लिया इसके बीच में ये वॉइड है तो वॉइड का उस वॉइड में जो बेस्ट फिट सर्किल होगा बेस्ट फिट सर्किल उस सर्किल का रेडियस कहलाएगा रेडियस ऑफ वॉइड अब हम कुछ नहीं बोल रहे कि ए बी की डिस्टेंस कितना होगी टू आर बी सी कितना होगी टू आर ए सी कितना होगी ए सी होगी टू इंटू आर प्लस आर जहां स्मॉल आर है रेडियस ऑफ व्हाइड हम पैथागोरस लेंगे आर बाई आर का रेशियो निकाल लेंगे वो आ जाएगा जीरो पॉइंट फोर वन फोर स्मॉल दूसरा वॉइड जो है ये हेक्सागोनल अरेंजमेंट में होता है इसको ट्राइगोनल वॉइड या ट्रैंगर वॉइड बोल सकते हैं इसमें आप देखो तीन स्फेयर से घिर बन रहा है इसमें ए बी यहां से ये ये ए है ये बी है इस फिगर में देखिए ए बी कितना है आर एओ है आर प्लस आर यहां से इस पॉइंट को यहां से देखिए ये ये है आर प्लस आर ये और ये एंगल पूरा सिक्सटी था तो उसको बाइसेक्ट किया यहां पे तो ये थर्टी डिग्री होगा तो अपन बोल सकते हैं कि ए कॉस थर्टी डिग्री होगा ए बी ए है आर प्लस आर कॉस थर्टी रूट थ्री बाई टू दिस इज आर और यहां से आर बाई आर निकालेंगे जीरो पॉइंट वन फाइव फाइव आएगा सो टू डी में दो व्इड हुए ट्राइगोनल व्इड और दूसरा स्क्वायर व्हाइड दोनों का हमने कैलकुलेशन कर लिया अभी आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं थ्री डायमेंशनल लैटिस की यहाँ से मेन है सॉलिड स्टेट कोई भी सॉलिड थ्री होगा तो थ्री डायमेंशनल पढ़ें थ्री डायमेंशनल लैटिस को डिस्क्राइब करने के लिए छः पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है छ पैरामीटर आई ए बी सी अल्फाबीटा गामा ए बी सी को बोलते हैं स्टेलोग्राफिक एक्सिस और अल्फा बीटा गामा को बोलते हैं क्रिस्टेलोग्राफिक एंगल ये ए लिया हमने ये बी लिया ये सी लिया ए के सामने का एंगल अल्फा होता है बी के सामने का एंगल बीटा होता है और सी के सामने का एंगल गामा होता है आगे देखते हैं अब हम आपको बता रहे हैं कि थ्री में कितने तरह के यूनिट सेल होते हैं तो पहला मैंने बोला कि सिंपल या प्रिमेटिव सेल होता है यह एक सिंपल है जिसमें एटम सिर्फ कॉर्नर पे होता है कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा तो कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन होगा वन बाई एट इसे कैसे समझ सकते हैं तो कॉर्नर पे एंगल होता है पाई बाई टू तो कॉर्नर पे एंगल है पाई बाई टू और एक पॉइंट पर टोटल सॉलिड एंगल होता है फोर पाई तो इसे फोर पाई से डिवाइड कर दीजिए यह आ जाएगा वन बाई एट सो कंट्रीब्यूशन कॉर्नर का आएगा वन बाई एट वन बाई एट पार्ट है इस कॉर्नर पे इस स्फेयर का इस यूनिट सेल के अंदर वन बाई एट पार्ट है तो नंबर ऑफ आइटम्स निकाल लें तो आठ कॉर्नर हैं आठ इंटू आठ इंटू वन बाई एट वन आएगा सो so जेड की वैल्यू नंबर ऑफ एटम्स परल वन होगा आगे देखते हैं बॉडी सेंटर बॉडी सेंटर में जो बॉडी सेंटर पर आइटम है उसका फुल कंट्रीब्यूशन है वन कॉर्नर का वन बाई एट से वन आएगा और फुल ये हो गया तो जेड की वैल्यू इसमें आएगी टू बॉडी सेंटर में आइटम एक बॉडी सेंटर ये फिगर ज्यादा क्लियरली दिख रहा है बॉडी पर भी एक बॉडी सेंटर पे भी एक एटम होता है और बाकी आठ कॉर्नर पे भी ऐटम होता है ये फिगर से भी आपको बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर बहुत क्लियर हो रहा है आगे देखते हैं एंड सेंटर एंड सेंटर का मतलब होता है कॉर्नर पे आइटम है और कोई आमने सामने दो फेस पे आइटम है यहाँ जेड होगा कॉर्नर के कारण वन एट इंटू वन बाई एट और आमने सामने एक ही है ना तो हाफ इधर हुआ कंट्रीब्यूशन और हाफ इधर हुआ टू इंटू हाफ दो आ गया सो so, जेड की वैल्यू यहां भी आ गई टू अब हम आपको बताने जा रहे हैं ब्रेवाइसलेटिस थ्री डी में टोटल फोर्टीन टाइप्स ऑफ ऑफिस होते हैं और जिन्हें हम ब्रेवाइस ब्रेवाइसलेटिस बोलते हैं अब देखिए उन्हें ब्रेवाइस बोलते हैं <coughs> ये फोर्टीन कौन कौन से हैं तो इन फोर्टीन में से सेवन प्रिमेटिव या सिंपल हैं कौन कौन क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरम्बिक हेक्सागोनल रोम्बोहैड्रल ट्राइक्निक तो सबसे पहले आप याद कर लीजिए सी टी ओम एच आर टी इसे रटने का यही तरीका है आप पहले सीटी ओम एच आर टी लिख लीजिए सी फोर क्यूबिक टी फोर टेट्रागोनल ओ फोर ऑर्सोरोमिक एम फोर मोनोक्लिनिक एच फोर एक्सागोनल आर फोर रोम्बोहेड्रल एंड टी फोर ट्राइक्लिनिक अब क्या कीजिए इसे कैसे ये कम से कम ये दोनों आपका रटा हुआ होना चाहिए इससे कई बार आई टी में सवाल आए हैं तो इसे कैसे रटेंगे ये देखिए ये तो बहुत आसान है इसको इसी ऑर्डर में लिखिए उसके बाद देखिए ये क्यूबिक है मोस्ट सिमेट्रिकल है क्यों मोस्ट सिमेट्रिकल है क्योंकि इसके सारे एज बराबर हैं सारे एंगल बराबर हैं और वो 90 डिग्री हैं और जो सबसे नीचे वाला है वो मोस्ट अनसिमेट्रिकल है क्यों कोई भी एज बराबर नहीं है और कोई भी एंगल बराबर नहीं है और सारे 90 कोई भी नाइन्टी नहीं है तो ये दोनों तो बहुत ईजिली याद हो जाते हैं सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला अब देखिए एक्सेज याद करने का बताता हूं आप राइट साइड से कट करते जाओ एक कट करो फिर दोनों कट कर दो अब जो सबसे नीचे है उसको फिर यहां लिख दो फिर ये वाले को यहां लिख दो अब फिर ये वाले को यहां लिख दो तो ये रटा जाएगा एंगल कैसे रटते हैं तो सबसे ऊपर वाले में तीनों अल्फा बीटा गामा तीनों नाइन्टी है ये फर्स्ट थ्री में, हो में होगा फर्स्ट थ्री में अल्फा बीटा गामा तीनों नाइन्टी होगा फोर्थ में पहली बार और आखिरी बार अल्फा के बाद बीटा नहीं आएगा अल्फा के बाद गामा आएगा और वो नाइन्टी होगा बीटा क्यों नहीं आया क्योंकि बीटा नाइन्टी नहीं था पहली बार और आखिरी बार बीटा नाइन्टी नहीं था इसके बाद नेक्स्ट अल्फा के बाद बीटा आएगा वो नाइन्टी होगा और थोड़ा सा इधर नजर न मारिएगा तो हेक्सागोनल नजर आ जाएगा तो दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि गामा होगा वन ट्वेंटी लास्ट दो एंगल ऐसे याद रखते हैं सबसे लास्ट में कोई भी एंगल अल्फा बीटा गामा बराबर नहीं है कोई भी नाइनटी नहीं है और उसके ऊपर सारे एंगल बराबर हैं बट कोई भी 90 नहीं है तो ऐसे करके हम एंगल याद रखते हैं एक्सिस में रिलेशन याद रखते हैं और इसे ऐसे याद रखते हैं तीन दो चार दो एक एक, एक टोटल चौदह सिंपल बॉडी सेंटर्ड एंड सेंटर तीन वाले में दो वाले में सिंपल बॉडी सेंटर तीन दो चार दो सिंपल बॉडी सेंटर्ड एंड सेंटर्ड फेस सेंटर चारों फिर दो जो आ रहा है इसमें सिंपल और एंड सेंटर्ड आएगा बॉडी सेंटर नहीं आएगा उसके बाद एक 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 सभी सिंपल होंगे तो इस तरह से ये हम याद रखते हैं एग्जाम्पल जरूरी नहीं आप याद रखो कम से कम आईडी एडवांस में तो एग्जाम्पल नहीं पूछेगा आगे देखते हैं एक मैं न्यूमेरिकल लिया हूं यहां पे एक कंपाउंड हैज क्यूबिकल यूनिट सेल इन विच ए एटम्स आर फाउंड एट सिक्स कॉर्नर्स ए एटम जो है वो सिक्स कॉर्नर्स पे है ए एटम तो इसका मतलब है कि ए एटम का जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा सिक्स इंटू वन बाई एट बी एटम्स आर प्रजेंट एट रिमेनिंग कॉर्नर बी एटम है दो कॉर्नर पे तो बी का जो कंट्रीब्यूशन आएगा टू इंटू वन बाई एट एंड एट फेस सेंटर्स विच आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर हम सोचते हैं कि कौन सा फेस ले लें तो वो अपोजिट टू ईच अदर ना हो तो देखिए क्यूब में कोई भी कॉर्नर उठाइएगा तो वो कॉर्नर तीन फेस में होता है जैसे सपोज सपोज हम ये कॉर्नर उठा रहे हैं तो ये कॉर्नर इस फेस में ऊपर पीछे का फेस ये और साइड वाला ये इन तीनों में है और इन तीनों जगह पे एटम रख देंगे तो कोई भी एटम अपने एक दूसरे के आमने सामने नहीं है विच आर नॉट अपोजिट टू इच अदर मीन इन तीन जगहों पे रख सकते हैं तो बी एटम होगा प्लस कितना थ्री इंटू हाफ यह आएगा वन बाई फोर प्लस थ्री बाई टू यह आ जाएगा कितना फोर वन प्लस सिक्स सेवन बाई फोर सो ए आ रहा है थ्री बाई फोर बी आ रहा है सेवन बाई फोर अब देखिए सी एटम्स आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर एंड एट रिमेनिंग फेस सेंटर सी जो है बॉडी सेंटर पे है तो सी हो गया वन और रिमेनिंग फेस सेंटर कितने फेस सेंटर टोटल छह फेस होते हैं तीन पे रख दिया तो तीन बच गए तो थ्री इंटू हाफ और ये हो गया फाइव बाई टू सो फॉर्मूला ऑफ द यूनिट सेल क्या होगा सो फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल होगा ए कितना आया था देखिए ए आया था थ्री बाई फोर बी आया था सेवन बाई फोर और सी आया था फाइव बाई टू थ्री बाई फोर सेवन बाई फोर फाइव बाई टू अब फॉर्मूला फ्रैक्शन में जनरली नहीं लिखते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर में लिखते हैं तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड होगा ये होगा चार से आप मल्टीप्लाई कर दो ए थ्री बी सेवन सी टेन ये कंपाउंड का फॉर्मूला होगा सो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड निकाल लिया नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड और ए दिया हुआ है ट्वेंटी amu बी दिया हुआ है सिक्सटी amu सी दिया हुआ है एटी amu ट्वेंटी सिक्सटी एटी तो डेंसिटी अगर निकालना हो तो डेंसिटी हमेशा मासबाही वॉल्यूम होता है मास हम ऐसा करते हैं यूनिट सेल का ले लेते हैं तो यूनिट सेल के मास के लिए ये होगा थ्री बाई फोर ए है ट्वेंटी सेवन बाई फोर बी साइज सिक्सटी सिक्सटी है yes, B है यस बी और सी है एटी टू सिक्सटी प्लस फाइव बाई टू इंटू एटी ये मास हो गया ए एमयू में और वॉल्यूम होगा ए क्यू वॉल्यूम क्या होगा ए क्यू यह मास कितना आएगा यह आएगा फिफ्टीन प्लस वन जीरो फाइव प्लस टू हंड्रेड और ए की वैल्यू दी हुई है आप देखिए लेंथ दिया हुआ है टू एंगस्ट्रम तो टू का पावर क्यू टू का पावर क्यू सो डेंसिटी आ जाएगा थ्री हंड्रेड ट्वेंटी अपॉन एट और ये होगा फोर्टी अब यूनिट सो, सोच लेते हैं ऊपर ए एमयू में लिए हैं तो फोर्टी ए एम यू और नीचे ए लिए हैं एंगस्ट्रम में तो ए एम यू पर एंगस्ट्रम क्यू ये यूनिट होगा डेंसिटी का अब देखिए सिंपल क्यूबिक की स्टडी करते हैं देखिए एक हेक्सागोनल अरेंजमेंट है जिसे आप लेयर ए बोल सकते हैं टू डायमेंशनल सॉरी टू डायमेंशनल स्क्वायर अरेंजमेंट है जिसे हम लेयर ए बोल रहे हैं तो ये है टू डायमेंशनल स्क्वायर अरेंजमेंट एक ऐसा ही टू डायमेंशनल स्क्वायर अरेंजमेंट दूसरा लीजिए और इसे इसके ऊपर रख दीजिए इस तरह से कि एटम के ऊपर एटम रहे इस तरह से जो लैटिस बनेगा ये अरेंजमेंट फाइनली बनना है इस लैटिस का जो यूनिट सेल होगा यहां देखिए आप यूनिट सेल ऐसा होगा और इसे बोलेंगे सिंपल सिंपल क्यूबिक क्यूबिक तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है सिंपल का इस फिगर के बारे में यहां एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है तो जो पैटर्न होगा हम क्या करें एक लेयर जो टू डायमेंशनल स्क्वायर अरेंजमेंट था उसके एक लेयर को ए बोल रहे हैं और उसी लेयर में एटम के ऊपर एटम रख रहे हैं तो पैटर्न हो गया ए ए ए ए चूंकि सेम लेयर एटम के ऊपर रख रहे हैं तो पैटर्न हो गया ए ए ए ए ए जहां रिप्रेजेंट कर रहा है टू स्क्वायर अरेंजमेंट जेड कितना होगा तो आठ कॉर्नर है सिंपल क्यूबिक में आठों का कंट्रीब्यूशन वन बाई एट सो एट इंटू वन बाई एट वन आएगा सिंपल क्यूबिक में एबीसी तीन ओट टू आर के बराबर है अल्फा बीटा गामा नाइनटी के बराबर है कोऑर्डिनेशन नंबर होगा सिक्स सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर आप समझ सकते हैं इजिली समझ सकते आप इसमें से एक एटम उठा लीजिए यूनिट सेल का, ये तो एक एटम इसके ऊपर होगा और एक एटम इसके नीचे होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है, एकदम क्लियरली पता है पैकिंग यहां पर अपन थ्री डायमेंशन में पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं सो अब एरिया की बात नहीं करेंगे वॉल्यूम की बात करेंगे तो पैकिंग एफिशियंसी होगा वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल यूनिट सेल में जो एटम है उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाई यूनिट सेल का वॉल्यूम तो जेड एटम है एक एटम का वॉल्यूम होगा फोर बाई थ्री आर क्यू और यूनिट सेल क्यूब है तो इसका वॉल्यूम होगा ए क्यूब वैल्यू रखेंगे अगर हम <coughs> तो ए बराबर टू आर है टू आर रख देंगे टू आर का होल क्यू तो पैकिंग एफिशियंसी आ जाएगा फाइव बाई सिक्स जो फिफ्टी टू परसेंट पॉइंट फाइव टू या फिफ्टी टू परसेंट होता है वोइड हमेशा वन माइनस सीट आगा वो आ जाएगा फोर्टी एट परसेंट डेंसिटी किसी भी चीज की डेंसिटी ऑलवेज मास बाई वॉल्यूम होगी ध्यान ये रखेंगे यूनिट सेल का मास लेंगे तो यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो ये यूनिट सेल का वॉल्यूम हो गया मास कैसे लेंगे तो यूनिट सेल में जेड आइटम है तो ऐसा करें हम एक एटम का मास निकालें और उसे जेड एटम से मल्टीप्लाई जेड से मल्टीप्लाई कर दें तो यूनिट सेल का मास आ जाएगा मोलर मास होता है एक मोल का मास उसे नंबर से डिवाइड कर देंगे तो एक एटम का मास और जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जेड एटम का मास इससे डेंसिटी आ जाएगा अब नेबर्स की बात कर रहे हैं तो नियरेस्ट नेबर हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हमेशा नियरेस्ट होगा वो टचिंग होगा वो हमेशा टू आर डिस्टेंस पे होगा अब इसे मैंने यहां पे थ्री इंटू एट बाई फोर किया किया है ये भी समझा देता हूं एक तो मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स कैसे होगा उस वहां पे दिखा के कि एक एटम चार को एक प्लेन में कर रहा था उस एटम के ऊपर एक था और उस एटम के नीचे एक था बट यहां मैंने दूसरे तरीके से किया है थ्री इंटू एट बाई फोर आप कोई एक एटम ले लें ये तो टू आर डिस्टेंस पर इसको टच करता हुआ सिंपल क्यूबिक में एटम है ये 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 इस एटम के लिए आपको कितने एटम मिले तीन एटम मिले वो तीन मैंने यहां लिख दिया अब ये एटम ऐसे ऐसे कितने यूनिट सेल में है तो आठ यूनिट सेल में है तो थ्री इंटू आठ ट्वेंटी फोर होना चाहिए था नेबर्स की संख्या बट जिस आठ में ये एटम है उनमें से चार में ये भी है चार में ये भी है और चार में ये भी है मीन्स इन तीनों एटम की काउंटिंग चार चार बार हो गई है सो डिवाइडेड बाई चार और ये आ जाएगा सिक्स तो मैंने यहां पे इस तरह से किया है आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर इस एटम के लिए एक बार मैं इरेज कर दू इस एटम के लिए नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर ये होगा और ये होगा रूट टू ए डिस्टेंस पे रूट टू ए डिस्टेंस पे होगा और कितने एटम हैं तो एक दो और एक ये वाला तीन एटम है यह एटम ऐसे ऐसे कितने यूनिट सेल में है तो थ्री इंटू आठ बट जिस आठ यूनिट सेल में यह है उनमें से दो यूनिट सेल में यह भी है दो में ये भी है और दो में ये भी है सो इन तीनों एटम की काउंटिंग दो बार हो रही है सो डिवाइडेड बाय टू और यह आ जाएगा ट्वेल्व यह कितना आ जाएगा ट्वेल्व ऐसे तो नियरेस्ट और नेक्स्ट नियरेस्ट से आगे नहीं पूछना है या तो नियरेस्ट पूछेगा या नेक्स्ट नियरेस्ट पूछेगा बट मैं थोड़ा आगे भी गया हूं नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट वो रूट थ्री ए डिस्टेंस पे होगा इरेज कर दू एक बार इस एटम के लिए रूट थ्री ए डिस्टेंस पर एक ही एटम है तो एक एटम मिला ये एटम ऐसे ऐसे आठ यूनिट सेल में है और उन आठों यूनिट सेल में एक, एक एक एटम ऐसा मिलेगा सब अंडर क्योंकि ये जो लाइन है ये कॉमन सिर्फ एक यूनिट सेल में है सो डिवाइडेड बाई वन सो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट रूट थ्री ए डिस्टेंस पर होगा और वो एट होगा डिस्टेंस निकालना आसान है तो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए अगर डिस्टेंस ए बाई टू आता है या टू ए आता है या ए आता है या टू ए आता है तो हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर या नियर ने, की संख्या सिक्स होगी अगर डिस्टेंस रूट टू ए आता है या ए बाई रूट टू आता है तो नेवर्स की संख्या ट्वेल्व होगी अगर रूट थ्री ए आता है या रूट थ्री ए बाई टू आता है तो नेवर्स की संख्या एट होगी आप तो इसे रट भी सकते हो अगर आपको नहीं समझना है तो नहीं निकालना है देर हो रहा है या रटा हुआ भी रहता है तो ये डिस्टेंस निकालो और तुरंत समझ जाओ कि क्या होगा नेवर्स की संख्या आगे से मैं डिस्टेंस यही करूंगा एक क्वेश्चन है कि पोलोनियम क्रिस्टलाइज इज सिंपल क्यूबिक सिंपल क्यूबिक बहुत ही कम स्टेबल स्ट्रक्चर है आप सोचो ना एटम के ऊपर एटम के ऊपर एटम के ऊपर एटम रखा हुआ है तो कभी तो गिरेगा तो ओनली पोलोनियम एक ऐसा मेटल है जो सिंपल क्यूबिक में क्रिस्टलाइज होता है एंड डायमीटर ऑफ पोलोनियम इज डायमीटर दे रखा है डायमीटर है ट्वेंटी वन का पावर वन बाई थ्री एंगस्टम कैलकुलेट पैकिंग पैकिंग इफिशियंसी जस्ट अभी निकाला हूं फिफ्टी टू परसेंट आया था वैसे ही निकाल लेना है आपको उसके लिए डायमीटर की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी ए और आर में रिलेशन ले आएंगे उसी से हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर अभी जस्ट आपको समझाया हूं सिक्स ही होगा और आपको निकालना है डेंसिटी तो ये तो डायमीटर है डेंसिटी क्या होगा तो डेंसिटी होगा जेड इंटू मोलर मासिक है तो जेड वन मोलर मास पोलोनियम का टू हंड्रेड टेन आप ले लीजिए सिक्स इंटू टेन टू पार ट्वेंटी थ्री और एस लेंथ लेना है ए बराबर होगा टू आर ए बराबर होगा टू आर और टू आर है डायमीटर के बराबर सो ट्वेंटी वन का पावर वन बाई थ्री और उसका होल क्यू और ये आएगा अपन ग्राम हाँ ऊपर ग्राम में लिए हैं और एंगस्ट्रम को ऐसा करें कि सेंटीमीटर में चेंज कर दें तो वन एंगस्ट्रम होता है टेन टू पावर माइनस एट सेंटीमीटर तो यहाँ पे आ जाएगा उसका होल क्यू तो टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी फोर आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू या ग्राम पर एम एल ये डेंसिटी हो जाएगा तो काफी सिंपल क्वेश्चन था ये आगे देखते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में आप देखो एटम सिर्फ कॉर्नर पे ही नहीं होता है एक बॉडी सेंटर पे भी होता है ये जस्ट किसी हेक्सागोनल या स्क्वायर अरेंजमेंट से नहीं बनेगा या स्क्वायर अरेंजमेंट से बन सकता है बट उसमें एटम टचिंग नहीं होंगे

इसमें भी ए बी सी तीनों बराबर है अल्फा बीटा गामा 90 है क्यूबिक है इसलिए क्या रिलेशन होगा ए एंड आर में वो देख लेते हैं तो आप देखो ये चारों नीचे चारों एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है इस फिगर से क्लियर है ये चारों एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है बट इस चारों के ऊपर ये रखा हुआ है तो ये नीचे चारों को टच कर रहा है और ये ऊपर भी चारों को टच कर रहा है बट ऊपर का चारों भी आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है ये अरेंजमेंट है तो अगर हम ये लाइन लें ये लाइन तो ये बॉडी डायगोनल है ये होगा रूट थ्री ए ये इसको टच कर रहा है और ये इसको टच कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टू आर और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टू आर तो रूट थ्री ए बराबर हो जाएगा फोर आर so सो यहाँ देखिए रूट थ्री ए बराबर फोर आर ये रिलेशन आ गया यहाँ से ए और आर में रिलेशन आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर आठ होगा ये भी क्लियर है इस एटम को नीचे चार एटम टच कर रहा है और ऊपर भी चार एटम टच कर रहा है सो कोऑर्डिनेशन नंबर आठ है आप इस कॉर्नर का निकालें तो इस कॉर्नर को सिर्फ एक एटम टच कर रहा है ये बॉडी सेंटर वाला बट कॉर्नर ऐसे ऐसे आठ यूनिट सेल में है तो कॉर्नर उन आठों यूनिट सेल में जो बॉडी सेंटर है उस कॉर्नर को टच कर रहा होगा सो so, कॉर्नर का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा आठ अब पैकिंग इफिशियंसी आप क्या करें वॉल्यूम ऑफ द एटम्स निकालने डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल तो जेड एटम है एक एटम का वॉल्यूम फोर बाई थ्री पाई आर क्यू ए की वैल्यू रखते हैं यहां से निकाल कर यहां ये यह आ जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स एट वॉइड हमेशा वन माइनस ईटा होगा डेंसिटी हमेशा मास बाई वॉल्यूम होगा सेम प्रीवियस पैटर्न है नेवर्स आप नियरेस्ट नेवर्स की बात करो तो नियरेस्ट नेबर हमेशा ये होगा कोऑर्डिनेशन नंबर ये आठ हो गया नेक्स्ट नियरेस्ट ए डिस्टेंस पे होगा छ हो गया नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट रूट टू ए डिस्टेंस पे होगा बारह हो गया अब मैंने यहां लिखा है कि सिंपल क्यूबिक में पैकिंग इफिशियंसी फिफ्टी टू परसेंट थी बीसीसी में पैकिंग इफिशियंसी सिक्सटी एट परसेंट थी सो ये दोनों ही क्लोजेस्ट पैकिंग नहीं है थ्री डी में क्लोजेस्ट पैकिंग कुछ और है इससे भी ज्यादा क्लोज पैकिंग पॉसिबल है सो अब देखते हैं क्लोजेस्ट पैकिंग इन थ्री डी क्लोजेस्ट पैकिंग इन थ्री डी हम बना रहे हैं टू डायमेंशनल हेक्शागोनल सीट से तो फर्स्ट स्टेप है कि एक टू डायमेंशनल हेक्शागोनल सीट लिया तो एक टू डायमेंशनल हेक्शागोनल सीट लिया तो आप कोई भी एक आइटम उठा लो इसके चारों तरफ छॉइड है।, है ये वाली ये वाली ये, 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 ये छाइड है मीन्स हर आइटम के चारों तरफ छइड है पहला तो अरेन्जमेंट ये हो गया अब एक दूसरा ऐसा ही लेयर लेते हैं टू डायमेंशनल हेक्सागोनल सेट और उसमें जो व्हाइड हैं गड्ढे हैं उसके ऊपर एटम रखते हैं यहाँ पे दूसरे एक एटम भी रख दोगे तो बाकी एटम अपने आप पोजीशन ले लेंगे तो इस तरह से देखते हैं कि जो छह व्हाइड थे एक एटम के चारों तरफ उनमें से तीन के ऊपर एटम आ गया है और तीन खाली है ये सेकेंड अरेंजमेंट बना हुआ है ये या ये एक ही जैसे हैं आप देखो एक दो तीन चार पांच छ व्हाइट थे जिसमें से तीन इसके ऊपर इसके ऊपर और इसके ऊपर एटम आ गया है और तीन अभी भी खाली है जिसके ऊपर एटम आ गया उसके नीचे टेट्राहेड्रल वाइड है और जो अभी भी खाली है वो ऑक्टाहेड्रल हेडल है टेट्राहेड्रल वाइड ऑक्टाहेड्रल हेडल आगे डिफाइन भी करूंगा बट अभी आप समझो कि जिसके ऊपर एटम आया वो चार एटम से घिरा हुआ क्षेत्र है तो टेट्राहेड्रल वाइड आया और जो खाली है वो सिक्स एटम से घिरा हुआ क्षेत्र है तो वो ऑक्टाहेड्रल हेडल आया जो सेकेंड लेयर हमने रखा उसे बोला लेयर बी तो हमारा बन गया लेयर ए बना लेयर बी बन गया अब हमने कह रहे हैं कि थर्ड लेयर बनाने के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है और यहां मैंने लिखा कि पॉसिबिलिटी वन है कि थर्ड लेयर इस तरह से प्लेस कर रहे हैं कि थर्ड लेयर के एटम के ठीक नीचे फर्स्ट लेयर का एटम है उस केस में उस केस में जो थर्ड लेयर होगा वो आइडेंटिकल टू फर्स्ट लेयर होगा ए बी ए और उस जो लैटिस बनेगा उसका यूनिट सेल होगा एच दूसरा हुआ कि नहीं ए बी बन गया थर्ड लेयर एक न्यू लेयर बनाए तो उसका नया नाम दें सी और उसके ऊपर हमें दो ऑप्शन मिलेगा फोर्थ लेयर लेयर फोर्थ में एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा कि वो उस जगह पे आइटम रखेंगे तो वो फर्स्ट लेयर के आइडेंटिकल बनेगा तो फोर्थ लेयर हो गया ए बी सी एटम्स ऑफ थर्ड ओवर प्लेस्ड ओवर वॉइड्स ऑफ टाइप ए

ये है वॉइड ऑफ टाइप ए तो इसके ऊपर रखेंगे तो फर्स्ट लेयर के आइडेंटिकल हो जाएगा दूसरा ये है वॉइड ऑफ टाइप बी इसके ऊपर रखेंगे तो थर्ड लेयर एक नया लेयर बनेगा और उससे बोलेंगे लेयर सी सो देखिए एटम ऑफ थर्ड लेयर आर प्लेस्ड ओवर व्हाइड्स ऑफ टाइप बी बिलो विच फर्स्ट लेयर आर प्रेजेंट इन दिस वे थर्ड लेयर इज ए न्यू लेयर कॉल्ड लेयर सी सो ए पैटर्न लाइक ए बी सी एंड देन ए कैन बी डेवलप एन यूनिट सेल ऑफ सच पैटर्न इज एफ सी सी फेस सेंटर्ड क्यूबिक विच इज ऑल्सो कॉल्ड सी सी पी क्यूबिक क्लोज पैक सो वन बाई वन दोनों की स्टडी करते हैं एच सी पी की और एफ सी सी की ये फर्स्ट लेयर ए है ये बी सेकेंड लेयर है फिर थर्ड लेयर जो है जो फर्स्ट लेयर के आइडेंटिकल है ए फिर बीस सेकेंड लेयर है ए बी ए बी इस तरह से बने है. इसका एक्सपेंडेड व्यू है ये और ये यूनिट सेल है लेटिस हुआ इसी का एक्सपेंडेड व्यू है और ये यूनिट सेल हुआ अब देखिए इसमें पैटर्न क्या आया ए बी ए बी इसमें ए और बी दोनों बराबर है और टू आर है ए और बी दोनों बराबर है और टू आर है बट सी की वैल्यू जो है वो टू आर नहीं है तो नॉट इक्वल टू सी है कितना है सी को कैलकुलेट करेंगे ए के सामने की एंगल अल्फा तो ये ए है इसके सामने की एंगल अल्फा 90 है बी के सामने की एंगल बीटा तो ये 90 है और सी के सामने की एंगल गामा ये 120 है सी को कैसे कैलकुलेट करेंगे तो सी को कैलकुलेट करने के लिए ऐसे सोच सकते हैं कि हम क्या करें कि ये जो बीच में तीन एटम है ये ले लें और ये एटम ले लें तो यहां से यहां तक C है तो यहां से यहां तक सी वाई टू होगा तो ये डिस्टेंस फोर ओ ये सी वाई टू हो गया अब इन्हीं तीन स्फेयर के ऊपर ये रखा हुआ है तो ये डिस्टेंस टू आर होगा तो ये जो डिस्टेंस है वन फोर ये टू आर होगा ए मतलब टू आर ए बराबर टू आर ही तो है टचिंग है तो टू आर ही डिस्टेंस होगा अब हमने क्या किया कि ये मान लिया एक्स तो ये मान लिया यहां देखिए x तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था 60 था तो ये एंगल 30 हो जाएगा और ये पूरा 1 से 2 1 से 2 ये पूरा डिस्टेंस 2r है तो इसके बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो r होगा सो अपन लिख सकते हैं अगर इसे x मानेंगे तो x cos 30 बराबर r होगा x cos 30 बराबर r तो यहां से x निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ r अब मैं कह रहा हूं कि ये जो एंगल है ये एंगल ये एंगल ये 90 है ये एंगल 90 है तो थ्योरम लगा देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई टू का होल स्क्वायर इजिकल टू टू आर का होल स्क्वायर थ्योरम जब लगा देंगे ये तो हमें आ जाएगा यहाँ से सी की वैल्यू और वो आता है सी की वैल्यू फोर आर इंटू रूट टू बाई थ्री या टू ए इंटू रूट टू बाई थ्री और ये वैल्यू भी रट लें तो सेपरेशन दो लेयर के बीच का सेपरेशन निकल जाता है तो ये इजी रहता है याद रखना अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालते मैंने कहा था कॉर्नर पे एंगल पता कीजिए तो कॉर्नर पे एक सौ बीस का एंगल है तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होगा डिवाइडेड बाई फोर पाई फोर इंटू वन एटी ये आ जाएगा वन बाई सिक्स आप देखो छह कॉर्नर ऊपर हैं, छह कॉर्नर नीचे हैं तो बारह तो कॉर्नर हुए बारह का कंट्रीब्यूशन हो गया बारह इंटू वन बाई सिक्स दो फेस सेंटर है तो इसका कंट्रीब्यूशन हो गया दो इंटू हाफ और तीन सेंटर पे हैं, तो प्लस थ्री सो so, जेड की वैल्यू आ गई सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर ट्वेल्व होगा इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हर अस्फेयर अपने लेयर में एटम को टच कर रहा है कोई भी एक स्पेयर आप उठा लो ये अस्फेयर उठा लो तो अपने लेयर में एक दो तीन चार पांच छ को टच कर रहा है तीन ऊपर टच कर रहा है और तीन नीचे कर टच कर रहा है सो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ट्वेल्व सिक्स प्लस थ्री प्लस थ्री पैकिंग इफिशियंसी सेम पैटर्न है कि हम क्या करें जितना एटम है एक एटम के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल एटम का वॉल्यूम आ जाएगा और एरिया ऑफ़ द यूनिट सेल और यूनिट सेल हेक्सागन है तो वो होगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट अब बेस का एरिया ऐसे निकालेंगे कि बेस में सिक्स इक्विलैटरल ट्रैंगल है एक इक्विलैटरल ट्रैंगल का एरिया होता है रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर तो सिक्स इक्विलैटरल ट्रैंगल का हो जाएगा सिक्स इंटू रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर इंटू हाइट हाइट है सी C और A की वैल्यू रख देंगे R के टर्म में तो ये आ जाएगा पाई बाई थ्री रूट टू जो पॉइंट सेवन फोर होता है सो सेवेंटी फोर परसेंट आएगा सो वाइड आगे वाइड होगा वन माइनस ईटा अगर 74 परसेंट पैकिंग एफिशियंसी आया तो वाइट 26 परसेंट होगा डेंसिटी एज ऑलवेज मास मांसभा वॉल्यूम ही होता है तो अपन ऐसा करेंगे वॉल्यूम ऑफ एस नीचे लेंगे और मास लेंगे जितने एटम हैं एस में जेड एटम है एक एटम का मास मोलर मास भाई यान है हम चाहें तो वॉल्यूम ऑफ एचसीपी को आर के टर्म में लिख लें पहले एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट किए हैं उससे वहाँ से आर के टर्म में लिख लें तो ये आ जाएगा डेंसिटी आएगा मोलर मास बाई एन ए इंटू फोर रूट टू आर क्यू इस टर्म में आ जाएगा तो एच की स्टडी हो गई और ये क्लोजेस्ट पैकिंग है क्लोज पैकिंग है थ्री में ये भी क्लोज पैकिंग है एफ की स्टडी कर रहे हैं इसमें देखिए ये लेयर ए है ये लेयर बी है लेयर सी है बी सी ऐसे है कि बी में अगर ऐसे एटम रखा है तो सी में एटम को ऐसे रखा है अब फिर जो फोर्थ लेयर है वो एग्जैक्टली exactly आइडेंटिकल है फर्स्ट लेयर के इसे थोड़ा एक्सपैंड कराए फर्स्ट लेयर से सिर्फ एक एटम लीजिए एक एटम सेकेंड लेयर से टोटल एटम लीजिए ऐसे छह एटम लिया थर्ड लेयर से अगेन छह एटम लीजिए ऐसे छह एटम लिया

ये सेंटर वाला इन चारों को भी टच कर रहा है सो so, ऐसे समझ सकते हैं कि अगर यह टचिंग है तो यह रूट टू ए हो गया तो रूट टू ए आर टू आर आर रूट टू ए बराबर फोर आर सो so, रूट टू ए बराबर फोर आर यहां से ए और आर में रिलेशन डेवलप हो जाएगा इसकी जेड होगी आठ कॉर्नर है छह फेस सेंटर है तो जेड हो जाएगी एट इंटू वन बाई एट प्लस सिक्स इंटू हाफ फोर होगी कॉर्डिनेशन नंबर होगी ट्वेल्व पैकिंग इफिशियंसी सेम वही पैटर्न है कि अपन जितने जितने एटम है उन सब का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम हम एक को आर के टर्म में लिख देंगे पैकिंग इफिशियंसी एग्जैक्टली वही आ रहा है जो एच में आया था वाइड वहीजैक्टली सेम होगा डेंसिटी अगेन मास वाई वॉल्यूम करेंगे वॉल्यूम होगा ए क्यू और मास जेड एटम का होगा एक एटम का मास मोलर मास वही है जेड एटम का इंटू जेड कर लेंगे अब देखिए अब देखिए आप एक को रख दीजिए के टर्म में तो आप देखिए डेंसिटी की फॉर्मूला वही आ जाएगा जो एस में आया था एक्चुअली एस और एफ दोनों अरेंजमेंट हैं तो अलग अलग बट दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी दोनों का वॉइड दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर और दोनों का डेंसिटी सेम आएगा अगर एटम सेम है तो यहाँ मैंने बताया बोथ एच सी पी एंड एफ सी सी आर द क्लोजेस्ट पैकिंग इन थ्री डी सिंपल क्यूबिक में कॉर्डिनेशन नंबर छ था ईटा था फिफ्टी टू परसेंट बी में कोऑर्डिनेशन नंबर आठ है ईटा है सिक्सटी एट परसेंट और एफ सी 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 पी दोनों में कॉर्डिनेशन नंबर बारह है ईटा है सेवेंटी फोर परसेंट तो अपन कह सकते हैं कि कॉर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा तो ईटा बढ़ेगा इसमें नेक्स्ट नेबर्स की बात है आप ना ज़्यादा मत जाओ मैं बहुत ज़्यादा आगे चला गया हूँ मत जाओ ज़्यादा एक नियरेस्ट जाओ उसके बाद नेक्स्ट नियरेस्ट जाओ बस काफ़ी है नियरेस्ट हमेशा ए बाई रूट टू या टू आर डिस्टेंस पे होता है और नेक्स्ट नियरेस्ट ए पे होगा ए बाई रूट टू तो बारह ही होगा और ए है तो सिक्स ही होगा समझा चुका हूँ कैसे बाकी अगर आप और आगे जाना चाहते हो एग्जाम में इससे आगे नहीं आएगा आगे जाना चाहते हो तो यहाँ डिस्टेंस कैलकुलेटेड है वहाँ नेबर्स कैलकुलेटेड है आप सोच सकते हो अब बात करते हैं व्हाइड इन थ्री डी थ्री डी में तीन वाइड होते हैं एक टेट्राहेड्रल चार टेट्रा हेडल वनता है इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे सी सी एल फोर है तो ऐसे समझ सकते हैं कि सी एल सी एल चारेयर है और कार्बन एटम जो है वो टेट्राहेड्रल हेडल पे है तो चार स्पेयर से बनता है आर है रेडियस ऑफ व्हाइड अब तो समझ में आ रहा होगा कि रेडियस ऑफ व्हाइट का मतलब है कि व्हाइड पर एक ऐसा पॉइंट जहां से चारों एटम का डिस्टेंस बराबर है तो उस उस व्हाइड पर अगर हम कोई सॉलिड रखेंगे स्फेयर तो उस, उस तो स्फेयर के रेडियस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ वॉइड अब देखिए इसमें ऐसे समझिए ए है आर प्लस आर ए ओ है आर प्लस आर ओ ये सेंटर वाला आइटम है सेंटर वाला आइटम है तो ए होगा आर प्लस आर बिल्कुल सही है ये आइटम है ओ ए और बीच सेंटर में जो आइटम रखेंगे वो है ओ उसके बाद ए एम ए ओ है आर प्लस आर ये पूरा एंगल जो है ना ये हंड्रेड नाइन डिग्री ट्वेंटी एट मिनट है आपको पता होगा टेट्रा हेडल में एंगल होता है हंड्रेड नाइन डिग्री ट्वेंटी एट मिनट इसी को ठीटा लिखा हुआ है तो अपने आप ये जब बाई करेंगे तो ठीटा बाई टू होगा तो ए हो गया आर प्लस आर ये हो गया आर तो हम लिख सकते हैं कि आर प्लस आर साइन ठीटा बाई टू बराबर आर और थीटा बाई टू का वैल्यू आएगा फिफ्टी फोर डिग्री फोर्टी फोर मिनट 54 डिग्री 44 मिनट साइन 54 डिग्री 44 मिनट की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं सो so, यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आर बाई आर आ जाएगा 0.225. दूसरा वॉइड है ऑक्टाहेड्रल वॉइड छह अस्फेर से घिरकर बनता है ये देखिए ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे एटम रखा हुआ है इरेज करता हूं आर को आपको और क्लियर नजर आएगा है ना इसमें कैलकुलेशन आसान है कोई भी चार एटम लेकर के आप कैलकुलेशन कर सकते हैं स्क्वायर व्हाइड वाला ही रेडियस रेशियो आता है रेडियस रेशियो आ जाता है आर वाई आर जीरो पॉइंट फोर वन फोर नेक्स्ट है क्यूबिक व्इड क्यूबिक व्इड क्यूब सिंपल क्यूब में होता है क्लियर है यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक व्हाइड हो सकता है होगा इनफैक्ट हो सकता है नहीं होगा और उस व्हाइड का रेडियस आर मानेंगे तो ये पूरा डिस्टेंस है रूट थ्री ए तो रूट थ्री ए बराबर होगा इधर से कैपिटल आर टू और इधर से कैपिटल आर टू इंटू कैपिटल थ्री टू तो सबसे बड़ा वॉइड आया की छोटा ऑक्टाहाइडल व्हाइड और सबसे छोटा टेट्राहीडल व्हाइड जब हम थ्री डी में व्हाइड की बात कर रहे हैं तब अब ये व्हाइड है कहा तो देखिए एट द बॉडी सेंटर एंड एट द एच सेंटर एफ में देख रहे हैं कहां पे देख रहे हैं FCC में लोकेशन कहाज सेंटर ऑक्टा हेडल वाइड आप देखो इस फिगर में देखो ये ऑक्टाहेड्रल हेडल है क्योंकि ये ये ऑक्टाहेड्रल वाइड है ग्रीन वाला क्योंकि ये छे आइटम एक दो तीन चार पे से इक्वल दूरी पे है तो ये बॉडी सेंटर पे है और देखो ये ये भी ऑक्टाहाडल वाइड है एज सेंटर पे क्योंकि ये छोटे एक दो तीन चार इधर वाले यूनिट सेल में एक यहाँ पे होगा और ऊपर वाले यूनिट सेल में एक यहाँ पे होगा इन छह आइटम से घिरा हुआ है तो ये भी ऑक्टाहाडल वॉइड है सो ऑक्टाहाडल वाइड है बॉडी सेंटर पर एक हो गया और एज सेंटर पे एज सेंटर कितना होता है बारह एज होते हैं और एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन वन बाई फोर तो ये आ गया तीन तीन ये हो गया और बॉडी सेंटर एक हो गया तीन ये बॉडी सेंटर वाला और ये एज सेंटर वाला टोटल चार आ गया टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे होता है तो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है कॉर्नर से रूट थ्री ए बाई फोर डिस्टेंस पर एलोंग द बॉडी डायगोनल हर कॉर्नर से रूट थ्री ए बाई फोर डिस्टेंस पर तो टोटल कितने कॉर्नर हैं आठ एलोंग द बॉडी डायग्नल तो आठ टेट्राहेडल होंगे एक ऐसे भी सोच सकते हैं वी कैन ऑल्सो से दैट इफ वी डिवाइड ए क्यूब ऑफ एज लेंथ ए इंटू एट मिनी क्यूब एक क्यूब है उसको आठ मिनी क्यूब में अगर हम डिवाइड कर दें तो हर मिनी क्यूब के बॉडी सेंटर पर हमें एक टेट्राहेड्रल हेडल वॉयड मिलेगा और उस मिनी क्यूब का एज लेंथ कितना होगा ए वाई टू फिर से बोल रहा हूं अगर कोई मिनी अगर कोई क्यूब है लेंथ है ए उसे हम मिनी क्यूब में डिवाइड करें आठ मिनी क्यूब में तो हर मिनी क्यूब का लेंथ हो जाएगा ए बाई टू और उनके बॉडी सेंटर पर हमें क्या मिलेगा टेट्राहेड्रल टेट्राहीड्रल सो आप देखिए इस फिगर में आप देखो <coughs> इस फिगर में ये जो है ये सब ये सब है और टेट्राहेड्रल व्इड कहां पे होगा तो अगर हम इस लाइन को मिलाएं तो यहां से रूट थ्री ए बाई फोर डिस्टेंस पर यहां से रूट थ्री ए बाई फोर डिस्टेंस पे यहां टेट्राहेडल वाइड होगा और यहां से भी रूट थ्री ए बाई फोर डिस्टेंस पर यहां टेट्राहेडल वाइड होगा एक बॉडी डायगनल पे दो तो चार बॉडी डायगनल पे चार इंटू दो आठ टेट्राहेड्रल वाइड हो गए सो एफ में जेड चार हुआ ऑक्टाहेड्रल वाइड भी चार हुआ टेट्राहेड्रल वाइड डबल हो गया आठ तो अगर किसी क्लोज पैकिंग में एन एटम होंगे तो टेट्राहेड्रल वाइड होगा टू एन और ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा एन तो एच सी पी भी एक क्लोज पैकिंग है उसमें छह एटम होते हैं पर यूनिट सेल तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड पर सेल भी होगा सिक्स और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट भी पर सेल होगा ट्वेल्व अब देखिए कुछ क्वेश्चन है कि डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट ऑक्टा हेडल इन एफ सीसी यूनिट सेल दो नियल वाइट के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा तो ये दोनों है, कितना आएगा? इधर से इधर ए बाई टू तो रूट टू इन टू ए बाई टू ये आएगा ए बाई रूट टू ए बाई रूट टू आएगा डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वाइड इन एफसीसी दो नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वाइड तो आप देखो टेट्राइडल वाइड इस फेस से इस फेस इस फेस से ए बाई फोर डिस्टेंस पे है अगर मान लो इसको ऑरिजिन ले लें हम तो इस टेट्राइडल वाइड का क्या कोऑर्डिनेट आएगा ए बाई फोर ए बाई फोर ए बाई फोर, फोर यह क्वार आएगा सो अपन कह सकते हैं यहां से ए बाई फोर डिस्टेंस पे है और यहां पे जो टेट्राहेड्रल वाइड है ये इस फेस से ए वाई फोर डिस्टेंस पे है तो इन दोनों हेडल के बीच जो डिस्टेंस आएगी ए वाई फोर ए वाई फोर माइनस कर दीजिए ए में ये आएगी ए बाई टू सो आएगा यह यहाँ पे ऑक्टा हेडल वाइड है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रूट थ्री होगी रूट थ्री ए बाई फोर नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू फारदेस्ट टेट्राहेड्रल हेडल इन एफ सी सी यूनिट सेल फारदेस्ट टेट्राहेड्रल हेडल नियरेस्ट नहीं तो ये टेट्राहेड्रल हेडल और ये टेट्राहेड्रल हेडल वाइड हो जाएगा और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा रूट थ्री ए बाई टू ये कुछ क्वेश्चन था कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड के बीच के डिस्टेंस निकालने में अभी हम मेटलिक सॉलिड के बारे में पढ़े थे अब हम आइनिक सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे आइनिक सॉलिड में किटाइन होता है एनायन होता है इन जनरल केटायन का साइज छोटा होता है और एनायन का साइज बड़ा होता है अपन बात करते हैं आयनिक कंपाउंड के स्टेबल होने के लिए फॉर आयनिक कंपाउंड के स्टेबल होने के लिए यह ज़रूरी है कि केटन केटायन कांटेक्ट नहीं होना चाहिए एनायन एनायन कांटेक्ट नहीं होना चाहिए एक केटन अपने चारों तरफ मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एनायन से घिरा होना चाहिए एक एनायन अपने चारों तरफ मैक्सिमम नंबर ऑफ़ केटायन से घिरा होना चाहिए और यहाँ दो टर्म आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन इट इज नंबर ऑफ एनायस बाय विच एक केटायन इज सराउंडेड और एक टर्म आएगा कॉर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन इट इज नंबर ऑफ केटायंस बाय विच एन एनायन इज सराउंडेड सो यहाँ पे ये बातें लिखी हुई है जो मैंने अभी बोला टर्म में जिसको बोलते हैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो आर प्लस है रेडियस ऑफ केटाइन आर माइनस है रेडियस ऑफ एनाइन इस रेशियो को बोलते हैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो इन जनरल एनाइन का साइज बड़ा होता है तो एनाइन से लेटिस बनता है और केटन इंडस्ट्रीशियल वर्ड पर होता है हालांकि ये जरूरी नहीं है इसका उल्टा भी पॉसिबल है अब उस रेशियो के हिसाब से आप देखें लिमिटिंग रेडियस रेशियो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह रेडियस रेशियो हमने जो अभी वॉइड का रेशियो निकाला था उससे मैच कर रहा है तो ये रेंज वॉइड का रेशियो आपको याद रखना होगा कम से कम टेट्रा एडल का पॉइंट टू टू फाइव ऑक्टा एडल का पॉइंट फोर वन फोर और क्यूबिक वॉर्ड का पॉइंट सेवन थ्री टू वो तो याद रखेंगे थ्री आपको यहाँ से मिलेगा कि रेडियस रेशियो पॉइंट टू टू फाइव से पॉइंट फोर वन फोर के बीच रहेगा तो पॉलीहेड्रन टेट्राहीड्रन होगा जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर चार होगी और टेट्राहेड्रल वाइट किस में होता है एफ में होता है और एच में होता है दोनों का एग्जाम्पल जेड है जेड के दो फॉर्म होंगे सॉलिड स्टेट में एक को बोलते हैं जिंक ब्लेंड और दूसरे को बोलते हैं उल्स्टाइड एफ होगा तो जिंक ब्लेंड बोलेंगे एच होगा तो उल्स्टाइड बोलेंगे अगर रेडियस रेशियो 0.414 से बड़ा और 0.732 से छोटा होगा तो हम बोलेंगे ऑक्टाहाइटन वाइड है कॉर्डिनेशन नंबर सिक्स होगा ऑक्टाहेड्रल वाइड जो होता है वो अगेन एफ और एस में होता है एफ का एग्जाम्पल है एन इसको रॉक साल्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं और एस का एग्जाम्पल है टी जिसे रिटाइल स्ट्रक्चर बोलते हैं अगर रेडियस रेशियो 0.732 से 1 के बीच होगा तो उसमें क्यूिक वाइड होगा क्वारिनेशन नंबर आठ होगा स्ट्रक्चर सिंपल क्यूिक है और एग्जाम्पल है सी एस सी एल बट बहुत सारे बुक में सी एस सी एल को बी सी सी लिख देते हैं क्योंकि सेंटर क्यूबिक कि आइटम आने के बाद वो आईपियर होता है बी सी सी की तरह तो रॉन्गली इसको बी सी सी लिख देते हैं या कह सकते हैं बी सी सी बोलना एक मिस नोमर है एक गलत नाम दिया हुआ है हम एन एस सी एल का स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं एन एस सी एल में रेडियस रेशियो इस रेंज का होता है तो जो पॉलीहाइड्रन होगा वो क्या होगा ऑक्टाहीड्रन होगा सो so, एफ होगा तो सी एल माइनस देखिए किसी भी आयनिक सॉलिड में दो ही पॉइंट आपको रटना है कि ए नायन कहाँ पर है और केटायन कहाँ पे है कैलकुलेशन तो मैं अभी ढेर सारे कर, करूँगा लेकिन ये दो पॉइंट रटा होना चाहिए और इसके बाद आप सारा कैलकुलेशन खुद से करना चाहिए सब कुछ पहले जैसा है तो सी एल माइनस लैटिस पॉइंट पे है तो एफ में कितने आइटम होते हैं टोटल चार होते हैं तो सी एल माइनस चार होगा Na प्लस सभी ऑक्टाहाइड्रल वाइड पे होते हैं तो एक यूनिट सेल में कितने ऑक्टाहाइड्रल वाइड होते हैं चार तो एन ए प्लस भी चार होगा फॉर्मूला यूनिट सेल का क्या होगा Na4Cl4 तो जेड होगा फोर यहां जेड नंबर ऑफ एटम्स नहीं है यहां पे जेड है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल स्टोइकोमेट्रिक रेशियो हमेशा होता है नंबर ऑफ केटायंस बाई नंबर ऑफ एनायंस ये होगा चार बाई चार अस्ट्राइक्योमेट्रिक रेशियो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जैसे एन एस सी एल है तो यार अस्ट्राइक्योमेट्रिक रेशियो वन इज टू वन होगा जैसे मान लो सी एस ई एल टू होता तो अस्ट्राइक्योमेट्रिक रेशियो वन इज टू टू होता केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होगा कैसे निकाले तो केटायन कहाँ पे है ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे कोई भी आयन होगा ऑक्टाहेड्रल छः स्फीयर से घिर के बनता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर छ ही होगा तो केटायन का छः ए नाइन का कैसे निकाले तो मैंने कहा कि निकालने के कई तरीके हैं बट एक आसान तरीका है कि कॉर्डिनेशन नंबर ऑफ केटाइन बाई कॉर्डिनेशन नंबर ऑफ ए नाइन हमेशा वन बाई एस्ट्रो इकोमेट्रिक रेशियो होगा एन एस सी एल का एस्ट्रो एक रेशियो है वन इज टू वन तो वन बाई एस्ट्रोइकोमेट्रिक रेशियो भी होगा वन इज टू वन केटाइन का हम बोले हैं कि ऑक्टाहेड्रल हेडल पे है ऑक्टाहेड्रल हेटल पे है तो सिक्स होगा तो इसका पता है सिक्स ये हो गया वन बाई वन तो ए नाइन का निकल गया वो भी हो गया सिक्स अब देखिए जरा सा कि रिलेशन बिटवीन ए और रेडियस कैसे आया तो मैं ये कह रहा हूं कि इस फिगर को देखिए इस फिगर में जो रेड है ये सी एल माइनस है और ये एनए प्लस है और ये दोनों टचिंग है तो ये डिस्टेंस कितना होगा ए बाई टू ए रेडियस एन ए प्लस प्लस रेडियस ऑफ सी एल माइनस पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकालेंगे चार एटम एन ए प्लस का है चार एटम सी एल माइनस का है उनका वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ए क्यू और ए का रिलेशन आर एन ए प्लस आर सी एल माइनस के फॉर्म में यहां से लिख देंगे और अगर आर एन ए प्लस वाई आरसीएल माइनस का रेशियो पता है तो पैकिंग इफिशियंसी की एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगी वाइड हमेशा वन माइनस ईटा होगा हो, हो डेंसिटी का वही फंडा है मास ऑफ सेल वही वॉल्यूम ऑफ सेल हाई प्रेशर पर एनएसएल ऑक्यूपाई कर लेता है हाई प्रेशर पर एनएसीएल ऑक्यूपाई कर लेता है एट इज टू एट कोडिनेशन एट इजू एट कॉर्डिनेशन हाई प्रेशर पर एनएससीएल ऑक्यूपाई कर लेता है एट इजू एट कॉर्डिनेशन और सी एस सी एल जैसा हो जाता है इट मीन सी एस सी एल एट इज टू एट कॉर्डिनेशन होता है एनएसएल होता है सिक्स इज टू सिक्स बट हाई प्रेशर देते हैं ये इंफॉर्मेशन की तरह ले तो वो एट इज टू एट हो जाता है और मैंने लास्ट में एक पॉइंट लिखा कि अगर एनए प्लस का जो मैं पोजिशन बताया हूं ऑक्टा हेडल वाइड वहाँ पे सी एल माइनस रख दें और सी एल माइनस का मैंने पोजीशन बताया था लैटिस पॉइंट ऑफ एफ सी सी वहाँ पर एन एस एन ए प्लस रख दें तो भी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा नेबर्स फॉर सी एल माइनस सी एल माइनस के लिए नियरेस्ट नेबर होगा एन ए प्लस डिस्टेंस यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ नेबर्स वैसे ही होगा जैसे मैंने शुरू में बताया था नेक्स्ट नियरेस्ट होगा सी एल माइनस उसके बाद नेक्स्ट होगा एन ए प्लस इस तरह से अल्टरनेट होगा और नेबर्स फॉर एन ए प्लस किए हैं तो सेम आएगा पहले जैसा बस यहां पे पहले एनए प्लस था तो सी एल माइनस कर दिया यहाँ सी एल माइनस था तो एन ए प्लस कर दिया सेकेंड है सीएससीएल टाइप स्ट्रक्चर सी एस सी एल में ये रेडियस रेशियो आता है पॉइंट सेवन थ्री टू से बड़ा और वन से छोटा तो इसमें जो पॉलीहेड्रन होगा क्यूबिक होगा क्यूबिक वाइड किस में होता है सिंपल क्यूबिक में तो सी एल माइनस एन होंगे लेटिस्ट पॉइंट ऑफ सिंपल क्यूबिक पे

यहां पे भी बोल रहा हूं कि अगर आप एनआन की जगह केटाइन रख दें और केटायन की जगह एनआईन रख दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्ट्रक्चर सेम होगा किसमें किसमें एन एस सी में और सी में नेक्स्ट है जेड टाइप स्ट्रक्चर इसी को बोलते हैं जिंक ब्लेंड और जिंक एस्फेलराइट स्ट्रक्चर इसमें रेडियस रेशियो ये होता है तो पॉलीहाड्रन टेट्राहेड्रन हो गया टेट्राहीड्रन वाइट किसमें होगा एफ में होगा तो इसमें क्या होता है कि सल्फाइड आयन से एफ सी सी बनता है तो चार हो गया सल्फाइड आयन की संख्या एक सेल में और जेड एन टू प्लस अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे होता है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब है एक छोड़कर एक 50 तो चार टेट्राहेड्रल वॉइड पे जेड एन टू प्लस होगा चार खाली रहेगा सो फॉर्मूला हो जाएगा जेड एन फोर एस फोर जेड की वैल्यू फोर सो फॉर्मूला आएगा कंपाउंड का जेड एन एस इसी तरह से स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो कॉर्डिनेशन नंबर आ जाएगा फोर इस टू फोर और ये रेडियस रेशियो ऐसे समझिए इसको ये टेट्राहेड्रल हेडल पे पर जेड एन टू प्लस है और यहां पर कॉर्नर पर है हमारा एस टू माइनस तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रूट थ्री ए बाई फोर आप जानते हैं कि कॉर्नर से रूट थ्री ए बाई फोर डिस्टेंस पे होता है टेट्राहेड्रल व्हाइट और ये हो जाएगा रेडियस ऑफ जेड एन टू प्लस प्लस रेडियस ऑफ एस टू माइनस यहां से हम रेडियस रेशियो रेडियस का रिलेशन एचल से निकाल सकते हैं पैकिंग इफिशियंस सेम पैटर्न है आपको समझ में आ जाएगा वॉइड और डेंसिटी निकालने का भी सेम पैटर्न है नेक्स्ट है फ्लोराइट स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि Ca2+ टू प्लस होता है एफ सी सी पे और एफ माइनस होता है सभी टेट्राहेड्रल वॉइड पे यही दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है बाकी सारा कैलकुलेशन करने आना चाहिए कैलकुलेशन सब पहले जैसा ही है सी ए टू प्लस कहाँ पे है एफ सी सी एफ माइनस कहाँ पे है टेट्रा हेडल अब फार्मूला स्ट्राइकोमेट्रिक रेशियो कोऑर्डिनेशन नंबर सब कुछ आप निकाल सकते हैं सेम ये रिलेशन भी उसी तरह से आएगा क्योंकि कॉर्नर और टेट्राहेड्रल वाइड का डिस्टेंस होता है रूट थ्री ए बाई फोर कॉर्नर पे सी ए टू प्लस है टेट्राहेड्रल हेडल पे पर एफ माइनस है पैकिंग इफिशेंसी निकाल सकते हैं डेंसिटी वाइड सब निकाल सकते हैं एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर फ्लोराइट स्ट्रक्चर से अलग ऐसे है कि फ्लोराइट स्ट्रक्चर में सी ए टू प्लस था लेटेस्ट पॉइंट पर केटायन यहाँ सही हो जाता है यहाँ पे एनायन ओ टू माइनस ये है लेटेस्ट पॉइंट पर और एन ए प्लस है एफ सी सी लेटेस्ट पॉइंट पर और एन ए प्लस है टेट्राहेड्रल व्हाइट पे सभी टेट्राहेड्रल व्हाइट पे यही दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है बाकी सारा कैलकुलेशन आपको करने आना चाहिए तो आप कैलकुलेशन कर लेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर का रिलेशन पैकिंग एफिशिएंसी वाइड डेंसिटी तो मेटेलिक सॉलिड हो गया आइनिक सॉलिड हो गया अब बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक और ये है पॉइंट डिफेक्ट्स की पॉइंट डिफेक्ट का मतलब है कि, कि किसी पोजीशन पे कोई एटम होना चाहिए नहीं है कोई जगह खाली होना चाहिए वहाँ कोई एटम या एन है तो सच काइंड ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट दो तरह का होता है अस्ट्राइक एमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट एंड नॉन अस्ट्राइक पॉइंट डिफेक्ट टकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट होगा तो फॉर्मूला कंपाउंड का नहीं चेंज होगा नॉन अस्टोईकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट होगा तो कंपाउंड का फॉर्मूलास्ट्राइकोमेट्रिक चेंज हो जाएगा यहां लिखा हुआ है इसी के बारे में जो मैंने अभी बताया नेक्स्ट देख लेते हैं कि अस्टोईकोमेट्रिक डिफेक्ट के टाइप है वैकेंसी डिफेक्ट एंड शर्ट डिफेक्ट ये दोनों डिफेक्ट सेम टाइप के हैं डिफरेंस ये है कि वैकेंसी डिफेक्ट जो होता है ये नन आइनिक सॉलिड में होता है और सर्ट की डिफेक्ट आइनिक सॉलिड में होता है इसमें जस्ट इन वैकेंसी डिफेक्ट सम ऑफ द समिस डिक्रीज डेंसिटी यह भी डेंसिटी डिक्रीज करता है और ये नन आइनिक सॉलिड में होता है शर्ट डिफेक्ट ये लिखा हुआ है कि वैकेंसी डिफेक्ट इन आइनिक सॉलिड इज कॉल्ड शर्ट डिफेक्ट आइनिक सॉलिड मस्ट ऑलवेज मेनटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कोई भी आइनिक सॉलिड होगा तो इलेक्ट्रिकली क्रिस्टल हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मानेंगे लाइक वैकेंसी डिफेक्ट सर्व शॉर्ट की डिफेक्ट ऑल्सो डिक्रीजेस डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल कोई भी शॉर्ट की डिफेक्ट में जैसे ये फोटो है यहाँ से यहाँ पे एक ऐटम होना चाहिए ब्लू वाला गाइव है यहाँ पे एक ऐटम होना चाहिए रेड वाला गाइव है तो वॉल्यूम सेम रह गया और मास कम हो गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा शॉटकी डिफेक्ट इज कॉमन इन आइनिक डेंसिटी घटता है तो परसेंटेज ऑफ मिसिंग यूनिट आप निकाल सकते हैं थेरेटिकल डेंसिटी से कम होगा एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी तो थेरेटिकल डेंसिटी माइनस एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाई थेल इन टू हंड्रेड आपको दे देगा परसेंटेज ऑफ मिसिंग यूनिट्स शॉटकी डिफेक्ट है कॉमन है अल्कली मेटल है में और ए में भी होता है सॉट की डिफेक्ट भी होता है नेक्स्ट है डिफेक्ट ये जैसे परफेक्ट क्रिस्टल है और इसमें क्या है उस परफेक्ट क्रिस्टल में बीच में आ गया एक एक्स्ट्रा आइटम तो जब एक्स्ट्रा एटम आ जाएगा तो उसे हम बोलेंगे इंट्रस्टिशियल डिफेक्ट इसके कारण क्या है कि वॉल्यूम तो नहीं बढ़ा बट मास बढ़ गया तो डेंसिटी बढ़ जाएगा एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी थेरेटिकल से ज्यादा होगा और यहां मैंने लिखा भी है कि इट इज सोन बाई नन आइनिक सॉलिड ये जो डिफेक्ट है इंटरस्टिशियल ये नन आइनिक सॉलिड से के द्वारा शो किया जाता है फ्रेंकल डिफेक्ट यह एक डिसलोकेशन डिफेक्ट है इट इज ए डिसलोकेशन डिफेक्ट ये पूछा भी है आई टी में इट अकर्स इन एन आइनिक कंपाउंड आइनिक कंपाउंड में होता है इन दिस डिफेक्ट एंड आयन लिव्स इट्स नॉर्मल पोजिशन एंड ऑक्यूपाइज नॉर्मली वैकेंट इंटरस्टिशियल पोजिशन आप देखो छोटा केटायन है बड़ा एनायन है तो आप देखो यहाँ पे होना चाहिए था केटायन बट से गायब है वो कहां है यहां है ये डिसलोकेशन है ये क्या है डिसलोकेशन है बट सिर्फ डिसलोकेट हुआ है तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं हुआ मास भी नहीं चेंज हुआ तो फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी क्या रहेगा सेम होगा ये उनमें कॉमन होता है जिसमें केटाइन एन आइन का साइज डिफरेंस लार्ज होता है जैसे ये कॉमन है जिंक सल्फाइड में एजीसीएल में एजीबीआर में ए में है ना क्योंकि केटाइन का साइज इनमें काफी छोटा है अब बात करते हैं नॉन अस्ट्राइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट इस डिफेक्ट के कारण पहले तो फार्मूला ही बदल जाएगा ऐसे समझिए कि मान लेते हैं एन है जस्ट सौ सौ आइटम का मान लेते हैं कि लैटिस क्रिस्टल है तो अगर दस क्लोराइड आयन निकल जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके तो फार्मूला हो जाएगा एन ए हंड्रेड सी एल नाइन्टी तो फार्मूला ही चेंज हो जाएगा तो ये इस तरह का डिफेक्ट है कि इसमें केटायन और एनायन सेम रेशियो स्ट्राइकोमेट्रिक रेशियो में बाहर नहीं निकलते हैं तो अब मेटल एक्सेस पॉइंट डिफेक्ट इट अकर्स ड्यू टू एनाइन वैकेंसी ये एग्जाम्पल है एफ सेंटर एफ सेंटर है इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एन आय वैकेंसी आप देखो ये केटायन है ये ब्लू वाला एन है और ब्राउन वाला एन केटायन है तो यहाँ पर एक ब्लू होना चाहिए एक एन होना चाहिए एन नहीं है बट उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन है तो इसे बोलेंगे एफ सेंटर एफ सेंटर होता किसमें है तो अल्कली मेटल में होता है जिंक ऑक्साइड में होता है ये कलर देता है एफ सेंटर के कारण आप देखो यहां लिखा हुआ है, एनएसएल येलो है वाइलेट है, और एल पिंक है बिकॉज ऑफ एफ सेंटर जिंक ऑक्साइड हॉट करते हैं तो येलो हो जाता है बिकॉज ऑफ एफ सेंटर केटायन डिफिशियंट और मेटल डिफिशियंट पॉइंट डिफेक्ट सम कंपाउंड्स आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर जैसे एग्जाम्पल है एफ ई एफ ई ओ एग्जैक्टली नहीं बनेगा जब भी बनाइएगा तो एफ ई जीरो पॉइंट नाइन फाइव ओ बन सकता है एफ ई जीरो पॉइंट नाइन सिक्स ओ बन सकता है इस तरह से बनेगा ऐसा इसलिए होता है कि कुछ एफ ई टू प्लस की जगह एफ ई थ्री प्लस आता है इस तरह से कि क्रिस्टल रिमेंस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब आप ऐसे समझो कि अगर थ्री एफ ई टू प्लस की जगह तीन एफ ई टू प्लस की जगह दो एफ ई थ्री प्लस आएगा तो एक आयरन की कमी हो गई एक आयरन की क्या हो गई कमी हो गई सो केटायन डिफिशियंट हो गया बट चार्ज एकदम बैलेंस्ड है चार्ज क्या है बैलेंस्ड है सो so, लिखा हुआ है कि इन क्रिस्टल ऑफ एफ टू प्लस केटाइन आर मिसिंग एंड लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कंपेंसेटेड बाय रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एफ थ्री प्लस आय एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक कंपाउंड है एफ ई जीरो पॉइंट नाइन फाइव ओ कह वट फ्रैक्शन ऑफ आयरन एग्जिस्ट Fe2+ थ्री प्लस तो ये जो कंपाउंड है एफ जीरो पॉइंट नाइन फाइव ओ हम मान लेते हैं कि ये वास्तव में इसका स्ट्रक्चर है एफ थ्री प्लस एक्स है एफ ई टू प्लस हो जाएगा जीरो पॉइंट नाइन फाइव माइनस एक्स और ऑक्साइड आयन है तो इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट है माइनस टू टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा टोटल निगेटिव चार्ज के बराबर तो थ्री एक्स प्लस टू इंटू ज़ीरो पॉइंट नाइन फाइव माइनस एक्स बराबर हो जाएगा टोटल निगेटिव चार्ज वो भी टू है थ्री एक्स माइनस टू एक्स एक्स प्लस वन पॉइंट नाइन बराबर टू दिस इम्प्लाइज एक्स आ जाएगा जीरो पॉइंट वन एक्स जीरो पॉइंट वन आ गया दिस इंप्लाइज कंपाउंड इज कंपाउंड इज एफ टू जीरो पॉइंट नाइन फाइव माइनस एक्स तो ये आ जाएगा जीरो पॉइंट एट फाइव एफ थ्री जीरो पॉइंट वन और ओ, ये कंपाउंड है वास्तव में अब आपसे पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आयरन एग्जिस्ट एज एफ टू प्लस तो एफ कितना टू प्लस कितना फ्रैक्शन होगा टोटल आयरन कितना है पॉइंट नाइन फाइव ये आएगा और एफ थ्री प्लस कितना है पॉइंट वन है और टोटल आयरन कितना है पॉइंट नाइन फाइव ये फ्रैक्शन होगा तो ये आंसर होगा दिस इज ऑल अबाउट सॉलिड स्टेट थैंक यू वेरी मच